ईश्वर को जान के समझ के ईश्वर के विधान के अनुसार चलना, ये हमारे जीवन की सफलता को, जीवन की कृतकृत्यता को निर्धारित करता है, सार्थकता को निर्धारित करता है। ईश्वर को केवल जानना कि वो ऐसा ऐसा है मात्र जानना, इतने का अपने आप में हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है। परमात्मा को जान के अब उसके साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, ये मुख्य बात है। और परमात्मा के साथ व्यवहार हमारा क्या हो सकता है कि परमात्मा न्याय व्यवस्था के अनुसार, अपनी न्याय व्यवस्था नियमों के अनुसार हमें कर्म फल देता है। हम कर्म करते हैं और वो कर्मों का फल देता है। परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, व्यवहार क्या है? परमात्मा के साथ हमारा व्यवहार मुख्य रूप से हमारे कर्मों के साथ में जुड़ा है। हम उसकी बनाई सृष्टि में अन्य जीवों के साथ में, अपने साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, उचित अनुचित, और उसके अनुरूप परमात्मा फिर हमें कर्मफल प्रदान करता है। कर्मों के अनुरूप हमें साधन देता है, नए कर्म करने का अवसर देता है, उन्नति के अवसर देता है, फिर हम कर्म करते हैं और फिर उसके अनुसार वैसी व्यवस्था होती है। किसी भी वस्तु को जानने के बाद में उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ये जुड़ा ही रहता है। यदि कोई व्यवहार ना करना हो किसी से, तो उसको जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो जानना किस लिए होता है? व्यवहार के लिए होता है। जान लिया, उससे कोई व्यवहार नहीं किया, या उससे संबंधित व्यवहार में हमारे कोई अंतर नहीं आया, तो जाना न जानना व्यर्थ है, निरुपयोगी है हमारे लिए। और व्यवहार ईश्वर का हमारे साथ में मुख्य रूप से कर्म से संबंधित है, कर्मफल से संबंधित है। तो पिछले कुछ दिनों से हम कर्मफल पर केंद्रित हैं और कर्मफल को समझ करके हम परमात्मा के साथ उचित व्यवहार कर पाते हैं। हमने यदि कुछ समझ लिया कि ये कर्म अच्छा है जबकि बुरा है, वो हम अपने ढंग से अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन इतने मात्र से परमात्मा के साथ उचित व्यवहार नहीं हो पाता। परमात्मा ने हमारे लिए जो सारी व्यवस्था की है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके अनुरूप चलें, और उसके अनुरूप चलने में ही हमारा हित है। ये जब हमें समझ में आ जाता है, तो हम कर्मों को अधिक अधिक विचार पूर्वक करते हैं, उसके बारे में अधिक अधिक चिंतन करते हैं, उसकी जो सूक्ष्मता है उनको हमें जानना होता है। और परमात्मा का जो स्वरूप हमने समझा है, उसमें सबसे अधिक प्रश्न कहां खड़े होते हैं, हमारे कर्मों और व्यवहारों से संबंधित है। यहां तो ऐसा दिखाई देता है, यहां तो ऐसा दिखाई देता है, न्याय व्यवस्था है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब को, इन सब समस्याओं को, इन प्रश्नों का उत्तर भी कर्मफल और इससे जुड़ करके आता है। तो आपके प्रश्नों को मैं ले रहा हूं। और प्रश्न किया कि लोग कहते हैं अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य का जन्म मिला हमें, ठीक है, व्यापक रूप से एक कथन होता है, आप सब भी सहमत होंगे, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है, ठीक है। तो इसके साथ साथ और क्या बात जुड़ गई, इसका इसी का क्या अभिप्राय निकला कि मनुष्य जन्म में वो आते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं,
इसलिए यह भी कहा जाता है कि पुण्यात्माओं को ही मनुष्य जन्म मिलता है, बोला जाता है पुण्यात्माओं को ही मनुष्य जन्म मिलता है, ये भी बहुत बोला जाता है। तो जब पुण्यों के आधार पर मनुष्य जन्म मिलता है, पुण्यात्माएं ही मनुष्य जन्म पाती हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? उनका व्यवहार भी पुण्यों का ही दिखना चाहिए ना। पहले पुण्य कर्म किए, उनका पुण्य कर्माशय है, और पुण्यात्मा को ही मनुष्य जन्म मिलता है, तो यहां व्यवहार कैसा होना चाहिए उनका? पुण्य का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, बहुत बुरे बुरे कर्म होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिनको हम अच्छा कहते हैं उनमें भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। तो इन्होंने आगे प्रश्न किया, एकदम कि लोग कहते हैं अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य का जन्म मिला, पर मनुष्य के जितना पापी को कर्मी तो कोई नहीं दिखता, अन्य प्राणियों से तुलना करके देखें। तो जब हमने देखा कि पुण्य करने से पुण्य आत्माओं को मनुष्य जन्म मिलता है, तो इसके साथ में यह भी आ गया कि जो अन्य प्राणी हैं वो कैसे हैं, उनके पाप कर्मों के कारण से मिलता है, अपुण्य आत्माओं को अन्य शरीर मिलते हैं, इसके साथ जुड़ के आएगा ना। केवल मनुष्य ऐसा है जो पुण्यों के कारण और पुण्यात्मा है तो मनुष्य जन्म मिला है, तो अन्य कैसे हैं? उनके अपुण्य है, पाप है और अपुण्यात्मा है, तो उनको वो मिला है। लेकिन व्यवहार में देखते हैं कि कौन पाप कर्म अधिक करता है, मनुष्य या मनुष्य से अधिक अन्य प्राणी? मनुष्य अधिक करता है, तो ये विरोध आ गया, विरोध आ गया ना। अब इसके साथ परमात्मा को भी जोड़ दीजिए कि परमात्मा पुण्य के आधार पर जन्म देता है, परमात्मा जुड़ ही जाता है। परमात्मा पुण्यात्माओं को ही मनुष्य शरीर देता है, तो ये मनुष्य पुण्यात्मा क्यों नहीं है, अधिकता क्यों नहीं है पुण्यों की, ऐसे व्यवहार अच्छे क्यों नहीं है, ये प्रश्न खड़ा हो गया। अब या तो ये मानेगा कि ये जैसा दिख रहा है इसको तो नकार नहीं सकते, तो ये मानेगा कि नहीं पापात्माओं को भी मिल जाता है, दुष्टात्माओं को भी मनुष्य जन्म मिल जाता है, तभी तो वो ऐसा बुरे बुरे कर्म करते हैं, इतने न जाने कितने कितने कर देते हैं, कितने बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। तो या तो ये माने कि अपुण्यात्माओं को भी मिलता है, और अपुण्यात्माओं को जन्म कौन देता है फिर? जैसे हमने पहले जोड़ा था कि परमात्मा पुण्य के आधार पर जन्म देता है मनुष्य का, तो अगर अपुण्यात्माओं को मिल रहा है, इनके व्यवहार से पता लग रहा है कि अपुण्यात्मा है, इनके पाप कर्म होने चाहिए, तो ये भी कौन देने वाला है? परमात्मा ही देने वाला है। तो फिर ये बात आ गई कि परमात्मा अपुण्यों को भी मनुष्य जन्म दे देता है, और जो पुण्यात्माएं दिखाई दे रही है उनको दूसरे जन्म दे रहा है, अन्य प्राणियों में तो व्यवस्था दिख रही है, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अथवा वो कहेगा कि नहीं परमात्मा होता ही नहीं है, परमात्मा होता तो व्यवस्था होती। युक्ति संगत तो यही है, जो पुण्य करता है उसको श्रेष्ठ चीज मिलनी चाहिए, श्रेष्ठ व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, तो इतना श्रेष्ठ मानव शरीर मिला है तो पुण्यों के कारण से ही होना चाहिए, ये युक्ति तो संगत आती है, न्याय यही लगता है। लेकिन न्याय देखा नहीं जाता है, तो ईश्वर को वैसे ही कल्पित कर रखा है, अथवा है भी तो ईश्वर न्यायकारी नहीं है, हो सकता है कि जो उसकी अधिक चापलूसी करे, अधिक प्रशंसा करे, अधिक पूजा पाठ करे, जप करे, तो शायद उनको भी दे देता होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न ईश्वर के बारे में खड़े हो जाएंगे, या तो ईश्वर को मानना छोड़ेगा या तो गलत ढंग से मानने लगेगा, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो दिख रहा है कि बहुत अपुण्य भी कर रहा है मनुष्य, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अब पुण्य कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, तो यह सब क्यों दिखता है? अब इसके लिए थोड़ा हमें कर्मफल व्यवस्था को समझना चाहिए। हम किसी कर्म को करते हैं तो उससे हमारा कर्म ही नहीं बनता, कर्म भी बनता है, कर्म का मतलब कर्माशय भाग्य संचित हो जाते हैं कर्म, और फल यथा योग्य अलग अलग मिलता है हमें इस जन्म में अगले जन्मों में। इन कर्म के साथ साथ संस्कार भी बनते हैं,
छाप भी पड़ती है उसकी। मान लीजिए दान दिया, सेवा की, इसमें जो इसका जो पुण्य बनेगा, जिसका फल हमें मिलेगा विपाक के रूप में, अच्छा शरीर हो सकता है, अच्छी बुद्धि हो सकती है, अच्छा परिवार हो सकता है, अन्य सुख सुविधाएं हो सकती है, अच्छा परिवेश हो सकता है, ये जो हमारे को जन्म से मिल जाते हैं कुछ, एक तो ये फल मिलता है। तो कर्म हमने अच्छा किया तो उसका कर्माशय बना, भाग्य बना, पुण्य बना, जिससे कि हमें ये चीजें विपाक फल के रूप में मिलती हैं, एक बात। दूसरा, अच्छा कर्म करने में हम अपने ऊपर एक भावात्मक संस्कार भी डालते हैं, उसकी हमारे को आदत पड़ती है। हमने दिया, देने में हमें प्रसन्नता हुई, मन में उदात्त भाव आया, त्याग का भाव विकसित हुआ, स्वार्थ कमजोर हुआ। ये जो चीजें हैं ये कर्माशय से भिन्न चीजें हैं, इनको संस्कार कहते हैं। किसी को हमने कुछ दिया, उससे हमारे पे कई संस्कार क्या पड़ गए? एक स्वार्थ की वृत्ति हमारी कम हुई। जो अधिक स्वार्थी होगा वो कैसे देगा? वो अपने लिए चाहेगा, दूसरे को नहीं दे सकता। अपनी एक रोटी दूसरे को नहीं दे सकता वो। इसने दिया है तो स्वार्थ का भाव कम हुआ, त्याग का भाव बढ़ा, प्रेम का भाव बढ़ा, आत्मवत व्यवहार का भाव बढ़ा। उसे लगा कि ये भी चीज है, देना चाहिए इसको। करुणा का भाव जगा, नहीं इसको आवश्यकता है, ये पीड़ित हो रहा है, मेरे से अधिक इसको आवश्यकता है, अपनी चादर छोड़ के उसको उड़ा दी, यात्रा में अपनी बैठक छोड़ करके खड़े हो गए, उनको बैठा दिया, वृद्ध है, बच्चे हैं, रुकना है, जो भी ऐसी स्थिति होती है, अपना त्याग किया, भावना बनी, आत्मवत व्यवहार हुआ, उसको भी एक चेतन माना। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इनकी इस क्रिया के करते समय ये सब भाव बनेंगे ना, ये जो हमारे पे आदत पड़ रही है, हम ऐसा एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, बार बार करने से वही तो आदत बन जाता है हमारी, इसे कहते हैं संस्कार। ये कर्माशय नहीं होता है। ये जो संस्कार पड़े हैं, छाप पड़ी है, भावना बनी है, इसका क्या फल मिलता है कि आगे हम उस कार्य को करने में सरलता से प्रवृत्त हो जाते हैं, उससे हटेंगे नहीं। जो बार बार देने में, सेवा देने में, सेवा करने में सुख लेता है, अच्छा लगता है, अनुकूलता अनुभव करता है, वो बार बार करेगा वैसा। एक ही क्रिया को बार बार करने से उस कर्म को करने में हमें सरलता होती है, हम अच्छी तरह करने लगते हैं, या अभ्यास से होता है, जैसे लौकिक क्रियाओं में होता है ऐसे मानसिक रूप से भी ऐसा सब प्रभाव पड़ता है, आदत बनती है, इसे कहते हैं संस्कार। ये बुरे कर्मों की दृष्टि से भी देख लीजिए, किसी की वस्तु हमने छीन ली अन्यायपूर्वक, अब छीनी, उसको जो कष्ट हुआ, नियम को तोड़ा, इससे जो कर्माशय बनेगा, भाग्य बनेगा, संचय होगा कर्मों का, उसका हमें दंड मिलेगा इस जन्म में, अगले जन्म में, ईश्वरीय व्यवस्था से। वो एक चीज हो गई, समाज से भी मिल सकता है, बचा कुछ आप परमात्मा से मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या हो रहा है वहां पर, कुछ भावनाएं बनी, विचार बने, स्वार्थ की प्रवृत्ति पहले से उल्टा कर लीजिए, स्वार्थ की वृत्ति बढ़ी, और ऐसा बार बार करेगा तो उसका स्वार्थ और पुष्ट होता जाएगा, आदत बनती जाएगी। बिना मेहनत के, कम मेहनत के ही छीन करके ले लिया, शोषण कर लिया और सुविधाएं भोग ली, खाना पीना व्यवस्था अच्छी कर ली, तो वो आदत पड़ेगी कि देखो ये तरीका है कि बिना पुरुषार्थ किए भी, छीन करके भी हम बहुत कुछ ले सकते हैं, चोरी से भी हम अधिक ले सकते हैं, ये उसकी आदत पड़ेगी और बार बार करेगा वो। स्वार्थ की भावना प्रबल होगी, आत्मवत व्यवहार नहीं रहेगा, आत्मवत व्यवहार रहता तो करता ही नहीं ऐसा, उसको केवल ये दिखाई देगा, दूसरा कोई आत्मा की तरह चेतन नहीं दिखाई देगा, बस मेरे को तो ले लूं बस। समान व्यवहार का कोई आदत नहीं पड़ेगी उसको, असमानता की पड़ेगी, मेरे लिए सब कुछ है। तो इसके कारण से वो उसी तरह के कर्मों को करता चला जाएगा, आज इस तरह से छीना, कल दूसरी तरह से छीनेगा, और विचार करता रहेगा, योजनाएं बनाता रहेगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और तरह तरह के उपाय ढूंढता रहेगा और करता चला जाएगा। जितना अधिक करेगा उसी तरह उसको इन बुरे कार्यों को करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, उसको सरलता लगेगी,
और वो बहुत जल्दी उस तरफ प्रवृत्त हो जाएगा। पहली बार तो बुरा कर्म करने में कष्ट होता है, एकदम नहीं कर पाता है, सोचता है 10 बार, बाद में एकदम करने लगेगा, खुल करके करने लगेगा। ये सब क्या है? ये संस्कार है। तो जब भी हम कर्म करते हैं एक कर्माशय बनता है पाप पुण्य, जिसका विपाक हमें मिलता है, और दूसरे उससे भावनाएं संस्कार बनते हैं जो हमारे को स्मृति और क्लेश के कारण बनते हैं, कि बार बार वो स्मृतियां आएंगी हमारे को और हम बार बार उसी ओर प्रवृत्त होते जाएंगे, अच्छी तरफ या बुरी तरफ, आगे का रास्ता हमारा वैसा बनेगा। ये दो बातें होती हैं हर कर्म के साथ। अब ये जो प्रश्न है इसमें हम क्या देखने लगते हैं प्राय, कि कर्म के अनुसार ये सारा का सारा हुआ है। पुण्य जब हमने कहे वो पुण्यों के कारण से मिला, परमात्मा ने दिया, पाप कर्मों के कारण से ऐसा मिला। हम केवल कर्माशय देखते हैं और कर्माशय के साथ साथ हम ये भी मान लेते हैं कि इसके संस्कार भी अच्छे होंगे, कि वे पुण्य कर्म किए तो पुण्य संस्कार भी होंगे, ये तो जुड़ेगा ना। अभी जो मैंने बताया पुण्य कर्म किए तो पुण्य के साथ साथ पुण्य संस्कार भी बने, तो जो पुण्यात्माएं हैं पुण्य कर्म वाले हैं तो उनके संस्कार भी तो अच्छे ही होंगे। तो अभी जो मैंने बताया समाधान देने के लिए अभी भी पूरा समाधान नहीं हुआ, अभी केवल इतना पता लगा कि कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। पुण्य के साथ अच्छे संस्कार, अपुण्य के साथ में बुरे संस्कार, तो बोले ठीक है फिर भी इस प्रश्न का तो समाधान नहीं हुआ। प्रश्न का समाधान इसी में आगे निकलेगा, लेकिन पहले हमें इन दो चीजों को अलग अलग समझना होगा। ये दो चीजें अलग अलग हैं बिल्कुल। मनुष्य शरीर में हम जितने कर्म करते हैं अच्छे बुरे बहुत अधिक कर लेते हैं, जिनका फल एक मनुष्य जन्म में भोगा ही नहीं जा सकता, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक इधर उधर कहीं भी भोगते हैं तब जाके वो पूरे होते हैं। अकेले मनुष्य जन्म में इतना कर्म कर लेते हैं हम, 60, 70, 80, 90, 100 जो जितना जीता है उसमें भी बहुत अधिक कर्म होते हैं। एक एक दिन में हम इतने कर्म कर लेते हैं जिसका फल हमें कई वर्षों तक भोगना पड़ता है, कई वर्ष बिताने पड़ते हैं। तो इस मनुष्य जन्म के बाद में मृत्यु के समय जितना हमारा कर्माशय है, इस जन्म का भी और पिछला भी जो बचा हुआ है वो सब मिलाकर के जितना है, यदि वो 50-50% कम से कम है, 50% पुण्य 50% पाप, अथवा पुण्य अधिक है, तब तो अगला जन्म भी मनुष्य का मिल जाएगा। और जब मनुष्य का जन्म मिलेगा, मान लीजिए 51% पुण्य है और 49% पाप है, अब भी मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तो 49% पाप भी है तो 49% उसके साथ साथ किए हुए संस्कार भी तो साथ में है उसके। मनुष्य जन्म केवल बहुत पुण्य है जिसके उसको मिलता हुआ ऐसा नहीं है, पाप पुण्य की तुल्यता होने पर अधिकांश को ऐसे ही जन्म मिल जाता है। और यदि पाप अधिक है तो उन अतिरिक्त पापों को भोगने के लिए, भुगाने के लिए परमात्मा अन्य शरीरों में भेजता है, मनुष्य से भिन्न में, वहां वो उनको भोगते जाते हैं, वो पाप कर्म कम होते जाते हैं, होते होते जब 50-50% हो जाते हैं तो फिर मनुष्य जन्म दे देता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पाप कर्म बचे हैं जिनका फल नहीं भोगा गया, बहुत सारे पुण्य भी बचे हैं जिनका फल नहीं भोगा गया, बस 50% आ गया तो मनुष्य जन्म फिर दे देगा परमात्मा, फिर नया अवसर दे देगा। और जो अन्य शरीरों में पाप कर्मों को भोगा है उससे केवल कर्माशय कम हुआ है, संस्कार कम नहीं हुए। 70% पाप किया, 30% पुण्य किया, तो उतने ही संस्कार भी मिलेंगे अच्छे बुरे। अब अन्य शरीरों में उन अधिक 30 से अधिक कर्मों को भोगते 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 40 को भोग दिया तो अब दोनों 30-30 हो गए, तो कर्माशय तो 30-30 आ गया, लेकिन जो बुरे संस्कार थे वो तो वहां समाप्त नहीं होते। बुरे संस्कार केवल मनुष्य जन्म में ही समाप्त हो सकते हैं, यही ठीक हो सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे मनुष्य आते हैं और जिनकी प्रवृत्तियां हमें गलत दिखाई देती हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि वो मनुष्य शरीर में तो आ गए हैं पाप पुण्य की तुल्यता से, लेकिन पिछले मनुष्य जन्म में जो बहुत अधिक बुरे कर्म भी उन्होंने किए थे, वो संस्कार तो अभी भी है उनके पास, वो हटे नहीं है, वो सुधरे नहीं है। केवल कर्म का संस्कारों को क्षीण करना वो ज्ञान से ही होता है, वो केवल मनुष्य शरीर में होगा।
अन्य शरीरों में नहीं होगा। और जो पाप पुण्य की तुल्यता के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, उसका यह मतलब नहीं है कि जितने पाप और जितने पुण्य बचे तो उन सबका फल मनुष्य शरीर मिल गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे पाप कर्म किए हुए होते हैं जिनका फल कभी अन्य शरीरों में भोगना होता है, लेकिन चूंकि पाप पुण्य बराबर हो गए इसलिए मनुष्य जन्म मिल गया, उन बुरे कर्मों का फल मनुष्य शरीर में भोगा ही नहीं जा सकता, ऐसे भी पाप कर्म होते हैं। तो अब जितने 50-50% पाप पुण्य बचे हैं, उनमें से बहुत सारे पुण्यों से और कुछ अपुण्यों से भी दोनों मिल करके एक प्रारब्ध कर्म बनता है, एक संचितता, बहुत बड़ा भंडार में बहुत सारा सामान रखा है और आज का भोजन कैसा बनेगा वो वहां से उतनी दाल आटा चावल मसाले निकाल के तेल घी निकाल के दे दिए जाते कि आज ये भोजन बनेगा उसके लिए ये सामान है, बाकी भंडार तो अलग पड़ा हुआ है जैसा है। तो जो संचित कर्म है वो तो बड़ा भंडार है और मनुष्य जन्म जो मिलेगा उसके लिए जो हमारे को जिन कर्मों के कारण से वो मिला है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब वो फल देना प्रारंभ हो रहे हैं, उनमें पुण्य अधिक होगा क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है और पाप कुछ पाप कर्म का भी होगा, उसकी भी न्यूनता होगी, किसी के पुण्य बहुत अधिक होंगे किसी के कम होंगे। अब इसके आधार पर जो प्रारब्ध निकला है, अब वो जो बचा हुआ है वो 50-50% बराबर तो नहीं बचेगा क्योंकि पुण्यों की अधिकता से मनुष्य शरीर मिला है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर पुण्य की अधिकता से मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जिसके पुण्य अधिक थे उसको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म तो 50% बराबर वाले को भी नहीं जाता है, लेकिन 50-50 बराबर होते हुए भी जो मनुष्य जन्म मिला है, जो प्रारब्ध कर्म हुआ है निकला है वहां से चयन हुआ है, उसमें पुण्य ही अधिक खर्च होते हैं, मनुष्य शरीर विशेष है। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर पुण्यों की अधिकता से मिला है, जितने जिसके थे, जिनके 50-50 थे, जिनके मान लो 1 करोड़ 1 करोड़ थे, जिनके 1 लाख 1 लाख थे, उन सबके किसी के भी उस सबसे मनुष्य जन्म मिला, वो कुछ छट करके मिला। आज का भोजन जैसा बनेगा वो सामान आएगा, आज मिठाइयां बननी है तो उस तरह की चीजें आएंगी, या सादा भोजन बनना है तो उस तरह का आएगा भंडार से सामान निकल के। तो ऐसे जो शरीर मिलता है उतना भाग अलग से आता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध, संचित अपना अलग रखा हुआ है बचा हुआ। तो पाप पुण्य की तुल्यता होने पर भी जो मनुष्य शरीर मिलता है वो हमारे इस मनुष्य शरीर के लिए जो प्रारब्ध अलग से छाटा है वो परमात्मा ही करता है व्यवस्था, उसके नियम से होता है, उससे मनुष्य जन्म मिल गया, बाकी कर्म तो रखे हुए हैं, उनका भोग जब होगा। लेकिन जो भी अच्छे और बुरे संस्कार थे वो सारे के सारे हमारे साथ में चल रहे हैं। अब जिसके 70% पाप थे 30% पुण्य थे, तो वो जो 70% संस्कार भी तो थे बुरे, वो उसके साथ ही चल रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला है पुण्य से, पुण्य की अधिकता से, प्रारब्ध की दृष्टि से पुण्य अधिक है, उसमें खर्च अधिक हुआ पुण्य, लेकिन संस्कार कैसे हैं अभी, वही 70% बुरे संस्कार हैं और 30% अच्छे संस्कार हैं। अब उसके साथ साथ व्यक्ति आता है, अब वो जो संस्कार जो आदतें उसने जन्म जन्मांतर में डाली थी अपने पिछले मनुष्य जन्म में, वो अब अपना काम दिखाती है, जैसे ही अवसर आता है वो उभरेगी, कर्माशय के अनुसार भी उभरती है, परिस्थिति के अनुसार भी उभरती है। इसलिए पुण्य के आधार पर मनुष्य शरीर मिला है तो भी मनुष्य में बहुत कुकर्म देखे जाते हैं और बुरे कर्म देखे जाते हैं, उसका कारण ये मुख्य संस्कार। फिर अतिरिक्त चीजें भी जुड़ जाती हैं कि इस शरीर में आया है कर्म के अनुसार, अब उसको परिवेश भी ऐसे मिलते हैं, वहां वैसी शिक्षा वैसी दीक्षा, गलत आदतें हैं, वैसा परिवेश, वो उसी तरह बनता है प्राय करके। हाँ, कर्म की स्वतंत्रता अवश्य है कि वो अपने को सुधार सकता है, उस परिवेश से अपने को हटा सकता है, ये प्रयत्न से होगा, पुरुषार्थ से होगा, पिछले कर्म के अनुसार परिवार परिस्थिति आदि हमारे को मिल गई, अब हम उसको अच्छा भी कर सकते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करके अपने को ठीक कर सकते हैं, पुराने संस्कारों को क्षीण कर सकते हैं। और कितने भी संस्कार हों, ये मनुष्य जन्म की में कर्मों का फल तो बहुत थोड़ा सा भोगा जाता है, लेकिन संस्कारों को हम बहुत अधिक क्षीण कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। अन्य सब शरीरों में कर्मों का भोग उतना ही होगा जितना भोगा गया, बस अधिक को नहीं, अधिक नहीं होता है, कम होता है।
मनुष्य शरीर में कर्म तो बहुत अधिक कर सकते हैं हम, जिससे कि स्वप्न जा रहा है वो इतना भोगता रहेगा। कर्म तो बहुत अधिक कर सकते हैं, संस्कार भी बहुत अधिक डाल सकते हैं, लेकिन कर्मों का भोग हम मनुष्य शरीर में थोड़ा ही कर पाते हैं, बहुत थोड़ा कर पाते हैं। लेकिन संस्कारों को ठीक करने का काम हम इस मनुष्य शरीर में बहुत अधिक कर सकते हैं, बहुत कम समय में हम अपने संस्कारों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अन्य शरीरों में ये कर नहीं सकते। यही मनुष्य जन्म का प्रयोजन है। तो पुण्यों के आधार पर शरीर मिलते हुए भी मनुष्य इतने कुकर्म क्यों करता है? एक तो संस्कार उसके बुरे होते हैं, दूसरा कर्म के अनुसार जैसा परिवेश मिला वहां फिर नए नए संस्कार और पड़ जाते हैं, वैसी आदतें पड़ जाती हैं, और फिर व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, आलस्य में रहता है, तो फिर उस तरफ बढ़ता जाता है और बुरी तरफ, उसको सुधारा नहीं जाता, उसको दंड व्यवस्था नहीं होती है, शासन ठीक नहीं होता है, तो उसको बिगड़ने के अवसर मिलते जाते हैं और खुलता चला जाता है, निर्भय हो जाता है बुरे कर्मों को करने में, तो और बिगड़ता जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर में ये सारी चीजें अधिक होती है। लेकिन अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। कर्माशय से संबंधित एक और प्रश्न है पवन कुमार जी का। पिछला प्रश्न था हमारे वीडियोग्राफर जो थे, कैमरामैन थे, उनका था। अगला प्रश्न है पवन कुमार जी का, इस जन्म में जो पाप पुण्य रूप कर्म किए जाते हैं वे ही अगले जन्म के लिए जाति आयु भोग देने में कारण बनेंगे, अथवा पूर्व जन्मों का संचित कर्माशय जब विपाक को प्राप्त होगा उसके अनुसार अगले जन्म का जाति आयु भोग साधन तय होंगे? इस जन्म का भी और जो पिछला बचा हुआ है वो भी, जैसे मैं पीछे अभी बोल रहा था, मनुष्य जन्म मिलने के लिए जितना कर्माशय आवश्यक है वो मिल गया, फिर जो बचा हुआ है संचित वो, और अब मनुष्य शरीर में जितना हमने बहुत अधिक कर लिया है वो सारा मिल करके हमारे भंडार में चला गया, कर्माशय में चला गया, वो हमारा भाग्य बन गया। अब उसमें से सब में से कुछ के अनुसार अलग अलग परिस्थिति में जो जैसा होता है वो परमात्मा की व्यवस्था से उतना उतना हमारे को मिलता रहेगा। सुबह का प्रातराश बनना है, ये भोजन बनना है, ये रात्रि का भोजन बनना है, ये ऐसे ही अलग अलग शरीरों के लिए हमें मिल मिल करके होता रहेगा। तो पिछला और अब सब मिल जाता है। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि मनुष्य जन्म में जो कर्म किए अब इसी के आधार पर मिलेगा, और न ऐसा कह सकते हैं कि पिछला भी जो बाकी था पहले वो मिलेगा, सब मिल जाता है। अब उसमें ईश्वर व्यवस्था के अनुसार जो भी होता है वो हमारे को प्राप्त होता रहता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सतर्क होता ओम।